एंजल स्पार्क एप्लीकेशन में आज हम सीखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में उसके प्रदर्शन को मापने के लिए हम किस प्रकार से टूल का यूज़ कर सकते हैं, कि निफ्टी में क्या ट्रेंड बनने वाला है, निफ्टी अपसाइड में जाने वाला है या डाउनसाइड में आने वाला है, या बैंक निफ्टी में हमको अपसाइड के लिए पोजीशन रखना चाहिए या डाउनसाइड के लिए हमको पोजीशन रखना चाहिए, इसका हम किस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं, कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो इन सारा कुछ एनालिसिस हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कि आने वाले समय में हमको निफ्टी में आगे के ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं या डाउनसाइड के ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आना होता है आपको एंजल स्पार्क एप्लीकेशन पर आना होता है। दोस्तों, अगर आपके पास एंजल स्पार्क एप्लीकेशन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज ही अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें और एंजल स्पार्क फैसिलिटी का यूज़ करें। तो यहाँ पे जैसे कि हम निफ्टी के बाद क्लिक कर लेते हैं, तो निफ्टी पे हमने यहाँ पे सिंपली क्लिक किया। निफ्टी पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे चार्ट को लगाना होता है, जैसे कि निफ्टी का चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये इस पोजीशन पे हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे सामने निफ्टी का चार्ट लग जाता है। जैसे कि निफ्टी का चार्ट हमारे सामने लग चुका है, अब हमको क्या करना है कि निफ्टी का ट्रेंड देखना है। निफ्टी का ट्रेंड देखने के लिए हमें कुछ इंडिकेटर्स के यूज़ करने होते हैं, जो इंडिकेटर आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिलते हैं। कुछ एक टूल्स या इंडिकेटर्स आपको साइड में देखने को मिलेंगे, कुछ आपको अपसाइड में देखने को मिलेंगे। तो जैसे हम अपसाइड में देख लेते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे कैंडल्स देखने को मिलती है। आप यहाँ से कैंडल्स का जो साइज़ है इसको आप चेंज कर सकते हैं प्रकार। आप यहाँ पे सिंपल कैंडल रख सकते हैं, हेकिनेसी कैंडल रख सकते हैं। हेकिनेसी कैंडल जो है आपको मार्केट का ट्रेंड बताती है कि मार्केट का ट्रेंड किस दिशा में चल रहा है। जैसे कि आपको डाउन ट्रेंड में तो डाउन आपको कैंडल दिखेंगी और अगर अपसाइड में तो आप कैंडल्स आपको बनते हुए नजर आएंगी। इसी प्रकार से आप यहाँ से विभिन्न अलग अलग प्रकार के आप टूल्स का आप यहाँ लगा सकते हैं। आप यहां से इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं और इंडिकेटर के आधार पर आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें यहां पे इंडिकेटर्स लगाना है तो इंडिकेटर्स हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो आपको ये FX वाला एक ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे MACD इंडिकेटर, जो कि काफ़ी पॉपुलर इंडिकेटर है, जो मार्केट की स्ट्रेंथ को बताता है और साथ ही मार्केट की डायरेक्शन भी बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे साथ MACD इंडिकेटर लग जाता है। अब यह इंडिकेटर में दो लाइन्स होती है, कुछ बार्स आपको देखने को मिलते हैं। ये जो बार है जो आपको देखने को मिल रहा है ये कहलाते हैं हिस्टोग्राम कहलाते हैं। और यहाँ पर जो आपको दो मूविंग एवरेज देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक इसके अंदर एक सिग्नल लाइन है और एक इसके अंदर एक MACD लाइन है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर देती है तो इसमें मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ माना जाता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को यहाँ पे क्रॉस ओवर किया तो आपको देखने को मिला कि यहाँ पे जो हिस्टोग्राम थे इन्हें भी डाउन साइड में मूवमेंट दिया और मार्केट में भी यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली। इसी प्रकार से यहाँ पे MACD लाइन ने एक सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर दिया, हिस्टोग्राम में भी अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ से निफ्टी में हमको एक ट्रेंड जो है ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला। इस प्रकार से हम निफ्टी में या बैंक निफ्टी में हम मार्केट में ट्रेंड का रिवर्सल देख सकते हैं। एक और एक इंडिकेटर्स आता है जो मार्केट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, उसको भी हम बता देते हैं। वो एक RSI इंडिकेटर है, जो वह भी मार्केट की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करता है। तो RSI इंडिकेटर है जिसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं। ये RSI इंडेक्स हमने यहाँ पर लगा दिया तो ये इंडेक्स भी हमारे सामने लग जाता है। तो ये भी मार्केट की स्ट्रेंथ को और मार्केट की दिशा को बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। जैसे कि मार्केट में यहाँ पे गिरावट आ रही है तो आपको MACD लाइन जो है ये 60 का एक इसमें एक 60 का बेस होता है और एक होता है हमारे सामने यहाँ पे 40 का होता है, जिसे आपको 40 दिख रहा है। अगर 40 के नीचे चलता है तो मार्केट में हमें एक नेगेटिव साइड में रिटर्न देखने को मिलते हैं, और 60 के ऊपर चलता है तो हमको मार्केट में बुलिश या बाइंग साइड के हमको सिग्नल देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि इसने ये 60 के लेवल से डाउन साइड में आया और यहाँ से इसने गिरावट दिखाई तो भी मार्केट में हमको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। इस प्रकार से मार्केट में मार्केट के डायरेक्शन को देख सकते हैं, मार्केट की दिशा को देख सकते हैं। इसी के प्रकार से अगर हमको मार्केट में पोजीशन बनाना है तो मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए ऑप्शन चेन पे आ सकते हैं। जैसे कि हम स्टार्टिंग में ऑप्शन चेन आपको बताया था तो नीचे आपको ऑप्शन चेन देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन चेन का ऑप्शन है, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। अगर हमें लगता है कि मार्केट का डायरेक्शन अपसाइड में है, तो अगर मार्केट अपसाइड में जा रहा है
तो इसलिए हमें यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करने होते हैं। जो अगर मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट का ट्रेंड अपसाइड में है तो हम कॉल ऑप्शन के साथ जाते हैं, और मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट गिर रहा है तो हम पुट ऑप्शन के साथ जाते हैं। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में हमको बाइंग करके ही पोजिशन बनानी होती है, क्योंकि बाइंग करने में मार्केट की दिशा क्यों क्या होती है, काफ़ी लोगों को ये समझ नहीं आता है कि मार्केट गिर रहा है तो भी वह क्या करते हैं, पुट खरीद लेते हैं। ऐसे में क्या हो, मार्केट गिर रहा है तो क्या करते हैं कि वो कॉल खरीद लेते हैं, और कॉल क्या है कि मार्केट गिरेगा तो कॉल का भाव भी गिरेगा। लेकिन अगर मार्केट गिर रहा है और हमने पुट खरीद के रखा है तो हमें क्या है कि पुट साइड में रिटर्न मिलेगा। जब मार्केट गिरता है तो हमको पुट साइड में पोजिशन बनाना चाहिए, जब मार्केट बढ़ रहा है तो हमको कॉल साइड में पोजिशन बना के चलना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से सपोज हमको लगता है कि मार्केट बढ़ रहा है तो हम हमें क्या है कि यहाँ जो स्ट्राइक प्राइस आपको देखने को मिल रही है LTP जो है, इसमें से किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे सिंपली क्लिक करके हम यहाँ से पोजीशन बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, जो 18,100 का 54.90 पे है, तो इसको हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो नीचे हमको बाय बटन देखने को मिलती है, बाइंग बटन पे प्रेस किया, एक लॉट ऑर्डर लगाया एक लॉट का, तो एक लॉट में हमारे सामने जो क्वांटिटी आएंगी 50 क्वांटिटी आएंगी आपको देखने को मिलेगा। प्राइस आप मन से सेट भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन आपको थोड़ा नीचे मिल सकता है तो प्राइस को आप घटा भी सकते हैं, मार्केट में चाहो तो मार्केट में भी परचेज कर सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा, आपको इन्वेस्टमेंट नीचे देखने को मिल जाएगा, जो चार्जेस लगेंगे वो चार्जेस आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली बाय बटन पे क्लिक करना होता है, बाय बटन पे क्लिक जैसे ही करते हैं कंफर्म बाय करते हैं आपका ऑर्डर लग जाता है, और आप यहाँ पे यस कर सकते हैं तो आपका ऑर्डर इस प्रकार से सबमिट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपकी पोजिशन बन जाती है, और जैसे मार्केट में आपको अच्छा गेन मिलता है तो आपको यहाँ से एक आइडिया भी लगा सकते हैं। सपोज अगर आपने जो ऑप्शन हम परचेज़ किया है 18,100 का, या आपने 54.90 पे लिया है, अगर निफ्टी यहाँ से 50 पॉइंट बढ़ जाता है तो आपको जो ऑप्शन का प्रीमियम है ये 80 रुपये के आसपास जाता हुआ भी देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ प्रेडिक्ट करके अपनी पोजीशन को इजी कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।